Hello students, in the last few videos, we have studied about the amplitude modulation techniques. Now, in this video, we will start with the angle modulation techniques. Okay, so basically, what is angle modulation? Angle modulation aapka kya hota hai? Agar main simple language mein aapko bolu, to angle modulation means FM and PM, phase modulation and frequency modulation. Okay. तो एंगल मॉड्यूलेशन में बेसिकली हमें फेस मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की स्टडी करनी है. ओके, सपोज करिए मैं यहां पर एक कैरियर सिग्नल कंसीडर कर रहा हूं, सीटी एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस थीटा. ओके, नाउ दिस इज माय कैरियर सिग्नल, क्लियर है पॉइंट. अब इस कैरियर सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट हो, ओके, फेस आपका कांस्टेंट हो, ओके, एंड ओमेगा सी आपका वेरिएबल हो, तो ये आपका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ओके, मींस कैरियर का अगर फ्रीक्वेंसी आपकी वेरिएबल हो बिकॉज ऑफ द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, देन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ठीक है, बाकी के जो दो पैरामीटर हैं वो आपके कॉन्स्टेंट होने चाहिए. क्लियर है पॉइंट. नाउ सिमिलरली अगर सपोज करिए मैं अगेन यहां पर सी टी कंसिडर कर रहा हूं, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा. ओके, नाउ एसी और ओमेगा सी आपके कांस्टेंट हो और जो थीटा है वो आपका वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, तो ये आपका कहलाएगा फेस मॉड्यूलेशन. ओके, तो ये आपके सिंपली होते हैं फ्रीक्वेंसी एंड फेस मॉड्यूलेशन. ओके, नाउ अब आप सोच रहे होंगे इन्हें हम एंगल मॉड्यूलेशन के नाम से क्यों जानते हैं, तो ध्यान से समझिए. एंगल मॉड्यूलेशन मीन्स वॉट? एंगल, एंगल कैरियर का जो एंगल है वो वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन. ओके, तो यहां पर देखिए कॉस के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, टोटल एंगल ही तो होगा, वो टोटल क्या होगा आपका, थीटा ही तो होगा. तो चाहे आपका ओमेगा सी वेरी हो चाहे थीटा वेरी हो, दोनों केस में कोई ना कोई एक तो वेरिएबल है ही, तो जो आपका टोटल एंगल है कॉस का वो क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा. टोटल एंगल जो है कैरियर में वो क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा. तो इसे ही हम कहते हैं एंगल मॉड्यूलेशन. ठीक है, ओके, तो आपका फेस मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंबाइंडली किस नाम से जाना जाता है, एंगल मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है. क्लियर है पॉइंट आप लोगों को. नाउ नेक्स्ट, अब अगर मैं यहां पर ओमेगा सी टी प्लस थीटा को एक एंगल के नाम से डिनोट करूं, न्यू एंगल के नाम से रिप्रेजेंट करूं, सपोज करिए मैं यहां पर फाइ टी ले रहा हूं, फाइ टी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस थीटा. क्लियर है पॉइंट. तो आप कैरियर को बेसिकली लिख क्या सकते हैं, कैरियर को आप लिख सकते हैं ए सी कॉस फाइ टी. क्लियर है पॉइंट. तो ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन होगा कैरियर का. ठीक है, तो अगर आपका फाइ टी जो है वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, देन इट इज कॉल्ड एंगल मॉड्यूलेशन. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ हम लोग यहां पर बेसिकली स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, एफएम. ओके, तो व्हाट इज एफएम? जैसा मैंने आपको प्रीवियसली डिस्क्राइब किया है अभी कि अगर आपका कैरियर आपको गिवन हो, ठीक है, और कैरियर का अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो, एफसी ओमेगा सी वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, देन इट इज कॉल्ड एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक. ओके, नाउ इन केस ऑफ एफएम आपको समझना होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वेरिएबल होती है. मींस अगर बिफोर मॉड्यूलेशन आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफसी है, ओके, जो हम लोगों ने डिनोट की है प्रीवियस स्लाइड में, तो आफ्टर मॉड्यूलेशन हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफआई से. ओके, एफआई, जैसा आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखा था, बिफोर मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर था आपका एसी, एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन हमने डिनोट किया था उसे ए एस से. ठीक है ना, क्योंकि वहां पर एम्पलीट्यूड चेंज होता था, यहां पर आपकी क्या चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. तो वो चेंज फ्रीक्वेंसी होती क्या है, जैसा हम लोगों ने चेंज एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखा था ना, वैसी चेंज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है. तो कैरियर फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन होती है एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी. ओके, इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं. ओके, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी. क्लियर है पॉइंट. तो ये है आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन.
आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका MT चेंज होगा, FI भी क्या होगा आपका चेंज होगा. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ आपको पता है कि FC जो है वो तो कैरियर फ्रीक्वेंसी है बिफोर मॉड्यूलेशन. MT आपको पता है मैसेज सिग्नल है. KF क्या है? KF इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी. जिस तरह से हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में KA स्टडी किया था, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में KF स्टडी करते हैं. दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी. ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी की यूनिट देखूं तो आप देख सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, FI की हर्ट्स. FC की यूनिट भी क्या है, हर्ट्स. तो प्लस में भी क्या होना चाहिए आपका, हर्ट्स होना चाहिए. ठीक है, तो MT की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पलीट्यूड की, वोल्ट. तो यहां पर KF की यूनिट क्या हो कि टोटल यूनिट KF इंटू MT की हर्ट्स हो जाए. आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगी आपकी हर्ट्स पर वोल्ट. ओके, तो हर्ट्स पर वोल्ट इंटू MT की यूनिट वोल्ट, कैंसल आउट होके क्या मिल जाएगा आपको, हर्ट्स. तो ये यूनिट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी की. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को एनालाइज करूं, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी को, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर एम टी की वैल्यू जीरो पुट करूं, ठीक है, तो आपका जो एफ आई है वो कितना हो जाएगा, एफ सी. ओके, एफ आई एफ सी के इक्वल है. दैट मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉड्यूलेशन एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन इक्वल है. इसकी क्या मीनिंग है कि मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं. तो आप क्लियरली नोट कर सकते हैं देर इज नो मॉड्यूलेशन. ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलेशन की मीनिंग क्या है, पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल या वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन. अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ही जीरो है या मैसेज सिग्नल ही जीरो है तो कैरियर का कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी नहीं करेगी, तो आपका मॉड्यूलेशन नहीं होगा. क्लियर है पॉइंट. नाउ यहां पर अगर मैं एफ आई मैक्सिमम कंसिडर करना चाहूं, एफ आई मैक्सिमम, तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए. एफ आई जो है वो एफ सी प्लस के एफ एम टी के इक्वल है. एफ सी जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉड्यूलेशन है, वो आपकी कॉन्स्टेंट होगी. के एफ जो टर्म है वो भी आपका कॉन्स्टेंट होता है. तो यहां पर वेरिएबल कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ एम टी होगा. ऑब्वियस सी बात है, हमारा मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन भी यही है, बिकॉज ऑफ द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन. ओके, तो एफ आई मैक्सिमम की बात करूं तो वो हो जाएगा एफ सी प्लस के एफ एम टी मैक्सिमम. ओके, ये हो जाएगा आपका एफ आई मैक्सिमम. सिमिलरली अगर मैं एफ आई मिनिमम की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका एफ सी प्लस के एफ एम टी मिनिमम. ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ अब अगर मैं यहां पर एफ आई मैक्सिमम माइनस एफ आई मिनिमम कैलकुलेट कर लूं, ओके, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एफ सी आपका कैंसिल हो जाएगा, के एफ आपका क्या हो जाएगा, कॉमन. तो यहां पर क्या बचेगा, एम टी मैक्सिमम माइनस एम टी मिनिमम. ओके, तो दिस इज योर एफ आई मैक्सिमम माइनस एफ आई मिनिमम. ओके, इस एफ आई मैक्सिमम माइनस एफ आई मिनिमम, इस टोटल रेंज को हम कहते हैं टोटल कैरियर स्विंग. तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है वो निकल कर आया है टोटल कैरियर स्विंग. ओके, इसे टोटल कैरियर स्विंग क्यों बोलते हैं, या ये एफ आई मैक्सिमम माइनस एफ आई मिनिमम की क्या मीनिंग होगी, आप सोचिए जरा. एफ आई मैक्सिमम मीन्स आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर की मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल के कारण ही होगी. उसी तरीके से एफ आई मिनिमम क्या है, आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर की मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी. ऑब्वियस सी बात है वो मैसेज सिग्नल के मिनिमम एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग ही होगी. तो एफ आई मैक्सिमम माइनस एफ आई मिनिमम क्या दिखा रहा है, टोटल कैरियर फ्रीक्वेंसी की रेंज दिखा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, टोटल कैरियर स्विंग. ओके, तो कई बार आपके एग्जामिनेशन में वन मार्क्स या टू मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कि टोटल कैरियर स्विंग क्या होती है. तो हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ आई मैक्स माइनस एफ आई मीन. ओके, क्लियर है पॉइंट. नाउ अब अगर मैं यहां पर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का एग्जांपल कंसीडर करूं, ठीक है, मींस एम टी की वैल्यू अगर मैं यहां पर ए एम कॉस ओमेगा एम टी कंसीडर करूं, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से जो आपका एफ आई है वो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस के एफ
into AM cos omega MT. Okay, तो यहां पर हम FI का पहले equation लिख देते हैं, FC plus KF AM cos omega MT. Okay, clear a point. Now, आप लोगों ने amplitude modulation में study किया था कि KA amplitude sensitivity into AM क्या होता है, modulation index होता है. तो क्या यहां पर भी frequency sensitivity और AM modulation index होगा? एक बार हम चेक करते हैं. देखिए KF into AM, ठीक है, अगर मैं यूनिट को देखूं इसकी, तो AM की यूनिट आपकी वोल्ट होगी, KF की यूनिट क्या है आपकी, हर्ट्ज पर वोल्ट. तो यूनिट इसकी हो रही है आपकी हर्ट्ज. ओके, और हम लोगों ने स्टडी किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, दैट मींस ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका नहीं होगा. तो इसे हम फिर किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं यहां पर डेल एफ, फ्रीक्वेंसी डेविएशन. तो ये आपका एक न्यू टर्म है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल एफ के एफ इंटू ए एम. ओके, लॉजिक क्लियर है यहां तक? तो हम लोग एफ आई को इस तरह से शो कर सकते हैं, एफ सी प्लस डेल एफ कॉस ओमेगा एम टी. ओके, नाउ अब अगर मैं एफ आई मैक्सिमम कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है एफ सी प्लस डेल एफ, क्यों, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, वन होती है. ठीक है, आपको पता है एफ सी तो कॉन्स्टेंट ही है, के एफ इंटू ए एम भी कॉन्स्टेंट ही होगा, मेन क्या होगा आपका कॉस की वैल्यू, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वन होगी. सिमिलरली एफ आई मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो एफ सी माइनस डेल एफ. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ एफ आई मैक्सिमम माइनस एफ आई मिनिमम अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज कॉल्ड टोटल कैरियर स्विंग. तो यहां पर आपकी जो टोटल कैरियर स्विंग है वो कितनी आ जाएगी, आप देखिए एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी माइनस डेल एफ कितना हो जाएगा आपका, टू डेल एफ. तो दिस इज द टोटल कैरियर स्विंग इन केस ऑफ सिंगल टोन एफ एम मॉड्यूलेशन. ओके, टू डेल एफ, टू इंटू फ्रीक्वेंसी डेविएशन. ठीक है, टोटल कैरियर स्विंग होती है आपकी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, क्लियर है. नाउ इन प्रीवियस एनालिसिस को अगर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करूं, तो मेरा एग्जाम्पल है एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, ठीक है, इज गिवन बाय 1 मेगाहर्ट्स. ओके, तो आपको एफसी की वैल्यू गिवन है 1 मेगाहर्ट्स. क्लियर है पॉइंट? नाउ नेक्स्ट आपको गिवन है कि आफ्टर मॉड्यूलेशन मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज 1.8 मेगाहर्ट्स, मीन्स आपको एफ आई मैक्सिमम गिवन है 1.8 मेगाहर्ट्स. ओके, यही दिया है ना आपको, आफ्टर मॉड्यूलेशन. आफ्टर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो एफ आई मैक्सिमम. अब बोल रहा है डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन, दैट इज एफ आई मिनिमम हो जाएगा आपका. ओके, एंड आपको बोल रहा है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दैट इज क्या हो जाएगा आपका, डेल एफ हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट? अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट देखूं, तो हमें पता है कि जो आपका एफ आई मैक्सिमम होता है वो होता है एफ आई मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल एफ. ओके, तो यहां पर आप समझिए, आपको एफ आई मैक्सिमम गिवन है 1.8, एफ सी कितना गिवन है 1 प्लस डेल एफ. तो आपको डेल एफ की वैल्यू यहां से निकल गई, कितनी आ गई, 0.8 मेगाहर्ट्स. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ एफ आई मिनिमम जो आपको कैलकुलेट करना है, एफ आई मिनिमम इज इक्वल टू एफ सी माइनस डेल एफ. ओके, एफ सी आपको पता है कितना है 1. ओके, और डेल एफ कितना है आपको 0.8, तो एफ आई मिनिमम जो है कितना हो जाएगा 0.2 मेगा हर्ट्स. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो एफ सी माइनस डेल एफ. क्लियर? तो ये आपका एक सिंपल सा एग्जाम्पल था अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द प्रीवियस कंसेप्ट जो हमने अभी अभी स्टडी किया है. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एफ एम सिग्नल. ओके, तो एफ एम स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरह से हम डिराइव करेंगे, इसे हम देखते हैं अब. ओके, तो देखिए हमें जो कैरियर का फॉर्मूला है वो पता है, कैरियर इज सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा. ओके, नाउ अगर मैं फिर से
कैरियर को फाई टी, कैरियर के एंगल को फाई टी से डिनोट करूं, दैट इज ओमेगा सी टी प्लस थीटा, तो कैरियर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा आपका, ए सी कॉस फाई टी। क्लियर है, हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार और। नाउ अब अगर मैं फाई टी को यहां पर ध्यान से देखूं, और अगर मैं फाई टी का यहां पर, अगर मैं फाई टी को पहले इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं, ठीक है, अब अगर मैं यहां पर फाई टी का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करूं, डी फाई टी अपॉन डी टी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका ओमेगा सी ओनली, बिकॉज थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर थीटा जो है वो कांस्टेंट है, यहां पर ओमेगा सी ही सिर्फ वेरिएबल था, तो ओमेगा सी टी का टी के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका, ओमेगा सी होगा, जिसे आप चाहें तो 2 पाई एप्सी भी लिख सकते हैं, इस पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर जो फाई टी था वो कैरियर का एंगल था, ठीक है, तो आपने जब कैरियर के एंगल को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका आंसर आया 2 पाई एफसी। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। सेम कंसेप्ट अगर मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एंगल में लगा दूं, ठीक है, सपोज करिए अगर मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस फाई आई टी, ओके, तो आपका देख सकते हैं जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें जो एम्पलीट्यूड है ए सी वो तो सेम रहेगा, फाई आई टी, फाई आई टी मीन्स क्या होगा आपका, आप समझिए फाई आई टी की मीनिंग ये होगी आपकी कि 2 पाई एफ आई टी प्लस थीटा, ओके, तो 2 पाई एफ आई टी प्लस थीटा। क्लियर है पॉइंट, क्यों, क्योंकि जो आपका थीटा है वो तो वेरिएबल नहीं है ना, आपका वेरिएबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो आफ्टर मॉड्यूलेशन एफसी से एफआई में चेंज हो जाती है, तो ये जो आपका फाई टी का इक्वेशन है जिसमें आपका 2 पाई एफसी टी प्लस थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई एफआई टी प्लस थीटा, सिर्फ और सिर्फ एफसी आपका एफआई में चेंज हो जाएगा आफ्टर मॉड्यूलेशन, ना तो आपका एसी चेंज होगा ना ही आपका थीटा चेंज होगा। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर अगर मैं सेम कंसेप्ट फिर से लगाऊं और मैं यहां पर डी ऑफ फाई आई टी बाय डी टी करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना आ जाएगा आपको 2 पाई एफ आई आ जाएगा, जैसा आपका यहां पर क्या आया था 2 पाई एफ सी आया था, बस हो क्या रहा है एफ सी जो है वो एफ आई में चेंज हो रहा है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर आप देखिए हमें यहां पर एफ आई का फॉर्मूला पता है, ओके, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी। अगर मैं अब यहां पर उसी फॉर्मूले का यूज करूं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर फाई आई टी का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा फाई आई टी आपका 2 पाई एफ आई का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन साइन है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एफ आई डी टी, ओके, फ्रॉम 0 टू टी। क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर आप यहां पर समझिए, यहां पर एफ आई का जो फॉर्मूला हमें पता है, अब मैं अगर उसका यूज करूं तो कितना हो जाएगा 2 पाई, ओके, 0 टू टी, एफ आई का फॉर्मूला क्या है, एफ सी प्लस के एफ एम टी, ओके, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा डी टी। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ अब अगर आप यहां पर देखें तो एक टर्म आ रहा है आपका एफ सी का, एफ सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ सी कॉन्स्टेंट है तो एफ सी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। सेम आप देखिए यहां पर के एफ भी कॉन्स्टेंट है तो के एफ आपका इंटीग्रेशन के बाहर होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा आपका, एम टी का होगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन आपका हो जाएगा 2 पाई एफ सी टी, ओके, प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी, ओके, तो ये आपका जो इक्वेशन क्रिएट हुआ है वो इक्वेशन क्रिएट हुआ है आपका फाई आई टी का, ओके। नाउ अब अगर मैं इसे एस टी के इक्वेशन में पुट कर दूं, जो हमने यहां पर एस टी का इक्वेशन लिखा था ए सी कॉस फाई आई टी, तो हमारा स्टैंडर्ड एफ एम इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड जो एफ एम इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी, ओके, तो ये आपका यहां पर क्रिएट हो गया है स्टैंडर्ड एफ एम इक्वेशन। क्लियर है पॉइंट अच्छे से आप लोगों को। नाउ अब अगर मैं इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक एनालिसिस करूं विच इज कॉल्ड सिंगल टोन मॉड्यूलेशन,
दैट इज अगर मैं एम टी की वैल्यू ए एम कॉस ओमेगा एम टी कंसिडर कर लूं, तो यहां पर एस टी जो है आपका वो कितना हो जाएगा, देखिए ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस टू पाई के एफ। ओके, नाउ आपको अब इंटीग्रेशन किसका करना है, ए एम कॉस ओमेगा एम टी का, तो ए एम तो कॉन्स्टेंट है आउटसाइड हो जाएगा, तो जीरो टू टी कॉस ओमेगा एम टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ए सी ओके कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटू ए एम। अभी अभी हमने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ, तो टू पाई डेल एफ। ओके, नाउ कॉस का जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या होता है आपका साइन, तो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा एम टी का साइन ओमेगा एम टी डिवाइडेड बाय ओमेगा एम। ठीक है, तो दिस इज साइन ओमेगा एम टी डिवाइडेड बाय ओमेगा एम। ओके, तो यहां पर आपका कंप्लीट इक्वेशन रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना है यहां पर, तो क्या हो जाएगा देखिए आप, ये ओमेगा एम जो है इट कैन बी रिटन एज टू पाई एफ एम, तो टू पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो यहां पर जो आपका इक्वेशन क्रिएट होगा, एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके प्लस, प्लस में आप ध्यान से देखिए, यहां पर जब टू पाई कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा एफ एम, और ऊपर क्या बचा था डेल एफ, तो डेल एफ अपॉन एफ एम इंटू साइन ओमेगा एम टी। ओके, तो दिस इज डेल एफ अपॉन एफ एम साइन ओमेगा एम टी। ओके, अब यहां पर डेल एफ अपॉन एफ एम, इस टर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस टर्म को हम जानते हैं एज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आप देख सकते हैं डेल एफ की फ्रीक्वेंसी भी आपकी हर्ट्स है और एफ एम की फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या है, हर्ट्स है। तो डेल एफ अपॉन एफ एम जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर थोड़ा सा ओपन कर दें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, के एफ इंटू ए एम डिवाइडेड बाय एफ एम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफ एम सिग्नल। तो जो आपका स्टैंडर्ड सिंगल टोन एफ एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी। ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन एफ एम मॉड्यूलेशन। ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ यहां पर बीटा की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बीटा की इंपॉर्टेंस के कारण ही जो एफ एम है आपका वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नैरो बैंड एफ एम, ओके दिस इज फर्स्ट वन, और जो सेकेंड वन होता है आपका वो होता है आपका वाइड बैंड एफ एम। ओके, नैरो बैंड एफ एम क्या होता है आपका, जब बीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू वन होता है तो आप नैरो बैंड एफ एम कंसिडर करते हैं, जब बीटा जो है ग्रेटर देन वन होता है तो आप वाइड बैंड एफ एम कंसिडर करते हैं। ये मैं आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, नैरो बैंड एफ एम में बीटा इज वेरी मच लेसर देन वन और वाइड बैंड एफ एम में बीटा इज वेरी मच ग्रेटर देन वन। ओके, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें अगर सपोज करिए वन के आसपास कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, या बहुत ज्यादा लेस नहीं हुआ वन से या बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं हुआ वन से, तो हमें कोई ना कोई टाइप ऑफ एफ एम तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, बीटा लेस देन इक्वल टू वन को क्या ले लेते हैं, नैरो बैंड, और बीटा ग्रेटर देन वन को क्या ले लेते हैं, वाइड बैंड। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, नैरो बैंड मीन्स बीटा इज वेरी मच लेस देन वन और वाइड बैंड इज बीटा इज वेरी मच ग्रेटर देन वन। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन होता है इन केस ऑफ एफ एम मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे नैरो बैंड एफ एम इक्वेशन से। ओके, हम लोग नैरो बैंड एफ एम के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे और नैरो बैंड एफ एम का कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक वीडियो थी एफ एम सिग्नल के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।